Hi, good morning. My name is Yusuf Hussain and I'm a full-time film actor at the Bombay Film Industry. Today's guest is a charming actor of Bollywood. He was born in Lucknow, lived in Delhi, and settled in Mumbai. He has been police commissioner and a senior judge. And you can also find him in Agra Bazaar. He has more than 200 films to his credit. He is one of the icons of our home and society. I would like to welcome the most handsome Mr. Yusuf Hussain. Adabers. Adab, adab, adab. How are you today? कैसे हैं आप? फराम, मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम लोगों को देख के तुम्हारी आवाज सुन के और भी अच्छा हो गया। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए और आपने वक्त दिया हमारे साथ कुछ बातचीत करने का। तो हम इसको जरा कैजुअली रखते हुए पुराने माजी की तरफ थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे। तो वैसे तो आपको माशाल्लाह सारी दुनिया वैसे ही जानती है, लेकिन इंटरव्यू का थोड़ा सा तकाजा कि आप अपना फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, हम 15 अक्टूबर 1945 को पैदा हुए। हमारे वालिद बख्शीश हुसैन साहब पुलिस ऑफिसर थे और हमारी माँ बड़ी बाकमाल हस्तियों में से थी, जो घर की उर्दू पढ़ी हुई, शादी हुई थी उनकी 14 साल की उम्र में, और 7 बच्चे पैदा करने और पालने के बाद उन्होंने स्कूल जाना शुरू किया और 10वीं हाई स्कूल पास किया, फिर इंटरमीडिएट पास किया, फिर बीए पास किया, फिर एमए पास किया, फिर डबल एमए किया, फिर वो अपनी मौत से कुछ दिनों पहले लॉ कर रही थी, ये सोच के कि अब वो लॉ की प्रैक्टिस करेंगे। अबाउट 82-83 साल की उनकी उम्र थी उस वक्त। माशाल्लाह, सब क्या बात है, वाह जबरदस्त। तो हमें ये खबर है कि आपकी वाबस्तगी लखनऊ से बहुत गहरी है और तालीम भी आपकी लखनऊ के यू कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में गुजरी है, तो कैसा वो जमाना गुजरा लखनऊ का कुछ उसके बाद? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि लखनऊ से मुझे निकले हुए कोई 55 साल हो गए हैं, लेकिन लखनऊ मेरे अंदर से आज भी नहीं निकला। तो आसमां की क्या है ताकत जो छुड़ाए लखनऊ, और लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ। वाह, आदमी को वो पुरानी कहावत है कि लखनऊ से निकाल दीजिए, लेकिन लखनऊ उसके अंदर से नहीं निकल सकता है। एक बेइंतहा बात तहजीब और बड़ा खूबसूरत शहर है लखनऊ। उसकी खूबसूरती सिर्फ उसके नजारों में नहीं है, बल्कि उसकी तहजीब में, उसकी तमीज में, उनके कल्चर में, उसकी जबान में, हर चीज में लखनऊ बिल्कुल अलग है हिंदुस्तान के तमाम शहरों में। जैसा कि मैं महसूस करता हूँ कि हिंदुस्तान में 3 बेइंतहा खूबसूरत शहर हैं, जिसमें उदयपुर है राजस्थान में, और लखनऊ है, और भोपाल है मध्य प्रदेश में। तो ये 3 बड़े खूबसूरत शहर है, और लखनऊ का खास तौर से कल्चर और बस ये समझ लो कि हम आज भी महसूस करते हैं कि मैं लखनऊ का एक
लड़का हूँ और यहाँ से काम करने आया हूँ, काम खत्म हो जाएगा तो मैं वापस चला जाऊंगा लखनऊ, बस यही हसरत है, यही तमन्ना है। वाह, तो कैसा गुजरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी का जमाना वहाँ पे, कैसा आपको कुछ कुछ तजुर्बात शेयर कीजिए। हाँ, दसवीं क्लास पास करके हम लखनऊ मूव किए, वालिद साहब ने एक मकान वहां किराए पर ले लिया और सारे बच्चों को तालीम के लिए लखनऊ में रखा और खुद वो और जगह जहां जहां उनकी पोस्टिंग होती थी वहां वहां घूमते रहते थे, लेकिन हम लोग सब बच्चे लखनऊ में आ गए, मकान लेके वहां पर रहने लगे और हमारा दाखिला शिया कॉलेज में करवाया गया इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में, और हमारे लिए बिल्कुल नया तजुर्बा था। एक तो हम बड़े शहर में कभी रहे नहीं, तो पहली बार हमने बर्की कुमकुमे देखे शहरों में, वरना छोटे छोटे गांवों में पोस्टिंग होती थी पापा की तो रहते थे हम लोग, वहां पर बिजली नहीं होती थी, पानी कुएं से निकालना पड़ता था वगैरह। शिया कॉलेज में आए तो जिंदगी बिल्कुल बदल गई, और बड़ी अजीब सी बात है कि शिया कॉलेज ऐसे कोई बड़े नामवर कॉलेजेस में नहीं था जिसको कहीं दाखला नहीं मिलता था, बिल्कुल थर्ड क्लास जो स्टूडेंट होते थे शिया कॉलेज उनको अपने अंदर ले लेता था और उनको एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश होती थी। तो शिया कॉलेज में मैं, जैसा कि हमने कहा कि जिंदगी बदल गई बिल्कुल, और हम जो थे उससे एक बिल्कुल मुख्तलिफ शख्सियत में कदम रखने लगे। उसकी वजह शिया कॉलेज की तालीमी एक्सेलेंस नहीं थी, बल्कि वहाँ हमारी एक मुलाकात एक नौजवान लड़के से हुई जिसका नाम था मोहम्मद रईस अलवी, और मोहम्मद रईस अलवी ने जब जब वो शिया कॉलेज में आए तो उन्होंने शिया कॉलेज को काफी कुछ बदल दिया, और फिर उसमें तकरीरी मुकाबले होने लगे, बैटबाजियां होने लगी, और जितने भी कल्चरल एक्टिविटीज थी वो सब उन्होंने शुरू की, और हम इनके मोहम्मद रईस अलवी साहब के दाहिना बाजू थे जो सारे पब्लिसिटी और सारा काम उनका हम करते थे, और वो जो से वो प्रेसिडेंट भी हो गए थे और शिया कॉलेज में उनको इलेक्शन भी हुआ और वो प्रेसिडेंट भी हो गए, और हम लोगों का वो जो दो साल गुजरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर शिया कॉलेज में मोहम्मद रईस अलवी साहब के साथ, वो अपने आप में रिमार्केबल थे, और जो तब्दीलियां हमारे शख्सियत में आई वो उसके तमाम तर इल्जाम रईस भाई पे जाता है। तो फिर लखनऊ क्यों छोड़ा और फिर दिल्ली की तरफ आप रवाना हुए? लखनऊ में तालीम खत्म हो गई, पहली बात तो मोहम्मद रईस अलवी साहब ज्यादा देर तक साथ नहीं दे सके लखनऊ में, और ये वहाँ इंटरमीडिएट पास करके इनका पाकिस्तान से वीजा आ गया और ये पाकिस्तान चले गए, बाद दिले नाख्वास्ता, कभी खुश नहीं थे ये पाकिस्तान जाने के सिलसिले में, लेकिन हालात कुछ खानदानी ऐसे थे कि इनको जाना पड़ा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 20 साल तक हमारे और रईस मोहम्मद रईस अलवी, जो अब जिनको अब आप लोग प्रोफेसर रईस अलवी के नाम से जानते हैं, वो 20 साल तक हम लोग खतो किताबत ही करते रहे। बीच में दोनों ममालिक के बीच में जंगें भी हुई और वो सब बंद भी हो गया और तब तालीम वो कुछ नहीं, बट इवेंचुअली जब खुला तो हमारी मुलाकात, जब हम दिल्ली में थे तो हमारी मुलाकात, ये बात है मेरे ख्याल से 1979 की, यानी 61 में रईस भाई गए थे पाकिस्तान, और ये 79 की बात है, सोच लीजिए तब तक करस्पॉन्डेंस चलती रही। तो किसी पाकिस्तानी डिप्लोमेट से मुलाकात हमारी हो गई दिल्ली में, और हमने उनसे कहा कि भाई एक हजरत यहाँ से कूच करके गए हैं हिंदुस्तान से, उनका नाम है मोहम्मद रईस अलवी, उनको ढूंढिए, वो नेशनल कॉलेज में पढ़ते थे बीए पार्ट वन में, उसके बाद से हम लोगों का ताल्लुक नहीं रहा, अब पता भी नहीं मालूम कि कहाँ रहते हैं क्या है, तो आप जरा उसका पता लगा के मुझे बताइए। तो और फिर हमने उनको एक खत भी लिख के दिया
कि भाई ये खदा देख लीजिए और अगर जिसको मिले तो वो इत्तेफाक से जब कराची गए तो नेशनल कॉलेज में गए और नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात की। उन्होंने कहा भाई ये साहब को यहाँ पढ़ते थे मोहम्मद रईस अलवी साहब, तो ये इनके दोस्त कहते हैं कि वो कहीं छुप नहीं सकते, वो नुमाया हैसियत में कहीं ना कहीं चमक रहे होंगे, तो जरा तो उन्होंने कहा कि ठहरिए बैठिए आप तशरीफ रखिए मैं चाय मंगवाता हूँ आपके लिए। और उन्होंने चपरासी से कहा कि देखिए रईस भाई, रईस साहब को जरा बुलाइए। तो रईस साहब तब वहां पर प्रोफेसरी उनकी शुरू हो गई थी कराची में। तो खैर वो फिर जाके उनका खत आया हमारे पास और हमने फिर दोबारा खत किताबत शुरू की और 1980 में फिर साउथ अफ्रीका के रूट में जाते वक्त 24 घंटे के लिए हम को पाकिस्तान में कराची में मुलाकात हुई और तब हम लोग दोबारा मिले और उसके बाद से फिर मिलते रहते हैं बराबर 1980 से लेके अब तक। हम 3-4 दफा कराची में आ चुके हैं, हर शादी में, हर बच्चों के उसमें सब में मौजूद रहते हैं। जी तो जबरदस्त, तो ये तो बहुत ही देरीना दोस्ती की वो है स्टोरी माशाल्लाह से। तो दिल्ली फिर कैसे आप मतलब आपको कैसा लगा, हाउ डिड यू फाइंड दिल्ली आफ्टरवर्ड, जब आपने लखनऊ छोड़ा आप दिल्ली में रहे? हम दिल्ली आए तो जरूर और दिल्ली में तमाम तर कामयाबियां भी हासिल हुई और इक्तिसादी हालात बहुत बेहतर हुए, हर चीज सब कुछ मिला, नेशनल अवार्ड्स मिले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हम भी प्रोफेसर रहे 4 साल, सब कुछ मिलने के बावजूद भी दिल्ली हमारा कभी घर नहीं हो सका। हम हमेशा लखनऊ को ही अपना घर समझते रहे लेकिन दिल्ली बड़ा शहर था और बहुत कुछ बड़े अचीवमेंट भी हुए वहां पर। हमने अपने टूरिज्म की कंपनी ओडिसी इंटरनेशनल भी खोली जो बहुत तरक्की कर गई बहुत जल्दी और जिसमें हमको 4 बार नेशनल अवार्ड मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और 4 साल हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी और थिएटर भी किया हबीब तनवीर के साथ वहीं से 1970 से, समझिए कि एक्टिंग का कीड़ा जो था वो सिस्टम में दाखिल हो गया और थिएटर छोड़ने के बावजूद भी वो 20 साल तक सरवाइव करता रहा। 20 साल के बाद जब हम इक्तिसादी हालात पर काबू पा चुके और हमको लगा कि अब हमको पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा जी। तो हम फिर थिएटर वापस गए हबीब तनवीर के साथ, आगरा बाजार ही किया और उसमें तज़किरा नबीस यानी ये वो लिटरेरी क्रिटिक था जिसने इनको क्या नाम है इनका नजीर अकबर आबादी को कभी तारीख में शामिल नहीं होने दिया, तो वो बड़ा विलन था इस प्ले का, तो वो हमने रोल किया तज़किरा नबीस का जी। तो जबरदस्त, तो आपने माशाल्लाह दुनिया के बेशतर ममालिक का दौरा किया, स्पेशली जब आपकी टूर कंपनी आपने कहा कोविड से पहले आप हिंदुस्तान से बाहर मुस्तकिल जाते रहे अपने पेशा वराना उससे भी और सैर तफरी की गर्ज से भी। तो सवाल ये है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर आर्टिस्टिक क्वालिटीज क्या पड़ा दुनिया देखने से आप पर? पढ़ा, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ इस बात का कि सीमा सिफती जो है ट्रैवल सयाही, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन एजुकेशन है। एजुकेशन, अग्री। इससे ज्यादा फास्ट, इससे ज्यादा रैपिड एजुकेशन आपको किताबों में, वॉल्यूम्स में और लाइब्रेरीज में नहीं मिलेगी जी। तो जो आप एक बार जाके जो खुद देख, वो फारसी में एक कहावत है ना कि सुनीदा कैबुअत मानिंद दीदा, सुनी हुई बात कब होती है देखी हुई बात के बराबर। तो देखने में जो है तो बड़ा मेटामॉर्फोसिस हो जाता है, यू बिकम अ वेरी इंटरनेशनल पर्सन जब आप सारी दुनिया का सफर करते हैं। अब हम करीब करीब 30 दफा पूरी जमीन का चक्कर लगा चुके हैं और करीब करीब हर करीब नहीं बल्कि हर कॉन्टिनेंट में और ज्यादातर ममालिक में जो मशहूर शहर हैं वहाँ हम जा चुके हैं और रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिले हैं, वहाँ यू नो वहाँ के कल्चर के बारे में। तो उससे
जो एक कुएं के मेंढक वाला जो जो एक एटीट्यूड होता है वो खत्म हो जाता है, आप एक इंटरनेशनल आदमी बन जाते हैं और आप सब कुछ हर मुल्क के बारे में वहां क्या हो रहा है कैसे हो रहा है जानते हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत किस्मत हमारी अच्छी है कि हमको ऐसे मौके से इसमें टूरिज्म में आए तो खूब ट्रेवल करने को मिलता है, और अब जो एक्टिंग की एरिना में है तो यहाँ भी हमारी शूटिंग कभी स्विट्जरलैंड में होती है, कभी ऑस्ट्रेलिया में होती है, कभी मलेशिया में होती है, कभी थाईलैंड में होती है, कभी तुर्की में होती है, तो खूब यहाँ भी ट्रेवल करने को मिलता है, तो बड़ा अच्छा मजा आ रहा है। That's awesome. जी हाँ. तो मुंबई आप उसके बाद दिल्ली से आप मुंबई तशरीफ लाए और बॉलीवुड में आपने काम शुरू किया, तो बॉलीवुड में क्या चीज ने आपको अट्रैक्ट किया? वो आपने बताया कि आपका वो एक्टिंग का जो एक अंदर से एक अर्ज थी कि मुझे करनी है, एक तो वो चीज थी, फिर ऑन इटसेल्फ बॉलीवुड ने क्या इतना ज्यादा अट्रैक्ट किया और उसके कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें लोगों को, जरा अच्छा लगता है। जब हमने अपने ओडिसी कंपनी फरोख्त कर दी और बिल्कुल फिजाओं में नीले आसमान में परख उड़ने लगे और अपने आप को बिल्कुल आजाद महसूस किया कि अब कोई हैव टू नहीं है, मतलब ये तो करना ही है ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज हमने अपनी चॉइस से करना शुरू कर दी, तो 2-3 साल तक तो हम बिल्कुल सैर सयात में रहे, बिल्कुल जहाँ जिस दोस्त के पास जाना हुआ वहां पहुंच गए और जहां पहुंच गए वहां रहने लगे वगैरह, ये सब हो गया। लेकिन बॉलीवुड के लिए जब वापस आए हम तो हमने एक 50 एकड़ जमीन हिमालय पहाड़ में खरीदी और वहां पर हम एक नेचर क्वेस्ट नाम का एक खास एक्सपेरिमेंट करने लगे, जहां पर हम बाहरी दुनिया से कोई चीज नहीं लेते थे, बिजली भी अपनी सूरज से बनाते थे सोलर एनर्जी से, और पानी भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके और टंकियों में भर लेते थे, बड़े बड़े टैंक्स बनाए थे, और ऑर्गेनिक फार्मिंग और ये सब वहां पर हमने शुरू किया 50 एकड़ में। लेकिन 1989 में जब हमने दोबारा थिएटर शुरू किया हबीब तनवीर के साथ, और तो तब तक टेलीविजन आ गया था, जहूर पजीर हो गया था, तो टेलीविजन से हमको लोग बुलाने लगे, तो हम टेलीविजन में एक्टिंग करने लगे, लेकिन रहते थे जंगलों में रहते थे और एक्टिंग करके अपना शूटिंग करके फिर वापस चले जाते थे जंगलों में, ऐसे भयानक जंगलों में थे कि पैंथर वगैरह हमारे कमरे में घुस आते थे, एक दफा तो पैंथर आपको दो हमारे नाक घुस गई और हमारे कुत्ते ले आते थे हमेशा, यानी हम मच्छरदानी लगाते थे और मच्छरदानी में हम बिल्कुल सेफ महसूस करते थे, दरवाजा खोल के बिल्कुल अपने कॉटेज में सोते थे और पैंथर साहब कभी कभी तशरीफ ले आते थे अंदर और देखते थे कुछ खाने पीने को है क्या है क्या नहीं है, और उनकी दुम जो थी वो कभी कभी हमारे नाक पर ब्रश करती हुई निकल जाती थी। तो ऐसे माहौल से हमको बॉलीवुड से हमने एक टीवी सीरियल किया जिसका नाम था मुझे चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए में हमने जो रोल मॉडल थे हमारे वो इब्राहिम अलकाजी थे, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बुनियाद डाली और बहुत ही रिवेयर्ड, बहुत ही उनकी बेइंतहा इज्जत और अकीदत है, जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं हिंदुस्तान में वो सब उनको खुदा मानते हैं। तो उनका रोल था, तो उनका रोल नसीरुद्दीन शाह करने वाले थे, लेकिन वो चूंकि भोपाल नहीं जा सके इसलिए वो रोल हमारी झोली में पड़ गया और बड़ा कामयाब रहा, और उसकी वजह से हम आई केम टू बॉलीवुड ऑन इनविटेशन, हमको उनके प्रोड्यूसर ने राजा बुंदेला और सतीश कौशिक ने इनवाइट किया दिया, वो जो हमसे मिलने आए, और इस बीच एक फिल्म थी जिसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर, ये डॉक्टर अंबेडकर वही साहब हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, तो जब ये फिल्म बन रही थी तो उसमें मोहम्मद अली जिना का रोल भी, कायदे आजम का रोल भी करना था किसी को, तो वो उनकी तलाश हुई चारों तरफ, वो जब 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 लुक टेस्ट होता है तो उसमें जॉबोन की साख से कैरेक्टर को लिया जाता है, तो उस जमाने में तमाम जब जाल डाले गए हर जगह और कायदे आजम की तलाश हुई तो सिर्फ 2 लोगों के जॉबोन उनसे मिली,
एक यूसुफ हुसैन की अच्छा और एक क्रिस्टोफर ली जो ड्रैकुला का रोल करता है। क्रिस्टोफर ली ने पाकिस्तान में जिना के रोल करना शुरू किया और हमने यहाँ हिंदुस्तान में मोहम्मद अली जिना का रोल किया, तो वो भी काफी पॉपुलर हुआ। तो उसकी वजह से फिर हम इनविटेशन पर बॉम्बे गए, ये सोच के गए थे कि 10 साल की छुट्टी ले लेते हैं या अपने रिजॉर्ट से, 10 साल वहां एक्टिंग करके वापस आ जाएंगे, फिर शौक पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ आए तो ये ऐसा चस्का लग गया एक्टिंग का कि बिल्कुल सवाल ही नहीं है, वहां गए भी नहीं, अब भी हमने फरोख्त वरोख्त कर दिया बिल्कुल, अब हम बॉम्बे ही में सेटल हो गए और यहीं रहते हैं। अब बेटी भी हमारी है सफीना, वो जी माशाल्लाह वापिस आ गई, अमेरिका में थी काफी साल तो वो भी वापिस आ गई है। जी कहाँ जाओ, अब यहीं रहो, बेटी भी यहीं है, तो अब लखनऊ में यही रहते हैं, बंबई में रहते हैं और उम्मीद करते हैं कि कभी ना कभी लखनऊ वापस जाएंगे और गोमती के किनारे एक छोटा सा बंगला बनाएंगे और वहीं रहेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो बेटी भी माशाल्लाह यही है सफीना ऑफ कोर्स, और दामाद भी आपके इसी इंडस्ट्री से, पार्टनर भी आपकी इसी इंडस्ट्री से। जी 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 हमारे दामाद बड़े मशहूर हस्ती हैं, हंसल मेहता उनका नाम है और उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। एक फिल्म बनाई थी शाहिद, और शाहिद पर उनको नेशनल अवार्ड भी मिला था, उसमें हमने भी एक रोल किया था, एक वाइस चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी हु इज इन जेल। अच्छा अच्छा सही सही जबरदस्त। तो हमें इल्म है कि आपका शेरी जौक जो है वो बहुत ही नफीस है और आपको हजारों शेर जबानी याद है, तो कुछ अपना पसंदीदा शायर का कुछ कलाम आप सुनाना चाहेंगे? वैसे तो मोहम्मद रईस अलवी साहब का पूरा दीवान है, मैं जबानी याद है लेकिन लेकिन जो उनता उनको खुद याद नहीं है वो खुद जब कहीं कहीं नजमें सुनाते हैं अपने आधी तो भूल जाते हैं वो हम याद दिलाते हैं पीछे से प्रॉम्प्टिंग करते रहते हैं रईस भाई नहीं ये नहीं यार ये उनकी अभी एक नज्म है जो आजकल काफी हसबे हाल सी रहती है जी। वो मैं सुनाता हूँ, उसका नाम है फिर कोई आके कहे आओ जरा, हो के आते हैं अबद के उस पार, चंद साथ को सही सारे आजार अलम रंज भुला दें आओ, कोई आवाज न सूरत हो गराबारी की, आओ चुपके से कहें नरम हवाओं की गुजरगाह पे चल के बैठें, दिल के अहवाल कहें ख्वाब सुनाएं अपने, बेवफाई का तगाफुल का गिला हो तो कहो, जो सितम तुम पे हुए उनकी तलाफी न सही, अपनी चाहत की मोहब्बत की वफा की बातें, सानहे जितने हुए लुत्फ के पहलू जो भी याद आ जाए कहो, फिर कोई आके कहे आओ जरा, होके आते हैं अबद के उस पार, चंद साथ को सही और वक्त धीरे से कहे मैं तो चला। आदाब। वाह वाह बहुत 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 आदाब, बहुत आदाब आदाब। ये ऑडियंस को शायद नहीं पता है, मेरे दिल के बहुत करीब कलाम बजब जी जी, और ये कलाम बज़बानी शायर तो बहुत मशहूर होता है, लेकिन कलाम प्रोफेसर रईस अलवी साहब का कलाम बज़बानी यूसुफ हुसैन साहब बहुत ज्यादा ही ट्रीट है, इट्स अ ट्रीट फॉर एवरीवन ऑफ अस, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो आपके लिए थोड़ा एक सरप्राइज हमने ऐड किया है यहाँ पर, आपके एक बेहिसाब दोस्त जिनका आप जिक्र कर रहे थे, तो हमने उनको भी दरख्वास्त की थी कि वो तशरीफ लाएं और हमारे साथ जो है वो थोड़ा आपके डिस्टिंक्टिव मेमोरीज जो है वो थोड़ी सी हम शेयर करें। अरे वाह, तो मैं दावत दूंगी प्रोफेसर तो दावत दूंगी प्रोफेसर सर्विस साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। आदाब प्रोफेसर साहब। आदाब रईस भाई, जिंदाबाद। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल वही कर रहे हो, वही अंदाज देख के ऐसी दिल बाग बाग हुआ है आप तो इस वक्त गुलाब का फूल बने बैठे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, कलर आपने जो सिलेक्ट किया है
क्या खूबसूरत है ये, इसी को तो लखनऊ में कहावत है ना कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। तो प्रोफेसर साहब, आप कुछ अपनी और यूसुफ हुसैन साहब की कुछ डिस्टिंक्टिव मेमोरीज लखनऊ की और बाद में भी, क्योंकि आप लोग माशाल्लाह मिलते रहे पाकिस्तान में, दुबई में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में कई दफा, तो कुछ मेमोरीज हमारे साथ शेयर कीजिए। लेकिन बात यह है कि यूसुफ मियां हमारे वाहिद दोस्त हैं और जो हमारे स्कूल ईरा से या शुरू में कॉलेज के शुरू के जमाने से हम लोग कभी कभी एक लम्हे के लिए भी हम अलग नहीं हुए। गो के दरमियान में एक बड़ा वक्फा आया कि हम एक दूसरे से शायद बेखबर थे क्योंकि हालात ऐसे थे, मुल्की हालात। लेकिन यूसुफ मियां और हम लोग बहुत मिजाज के एतबार से, तबीयत के एतबार से, तहजीब के एतबार से, जौक के एतबार से, एक रिश्तों के एतबार से हम लोग बहुत यकसां ख्यालात और अतवार रखते हैं और हमारा यानी सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो भी ठीक है, खराब नहीं है। तो एक जमाना शायद मैं देखता हूं आजकल के जमाने में कि लोग जब तक स्कूल में होते हैं तो स्कूल के दोस्त होते हैं, जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के दोस्त होते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। और अब शायद ये हो गया है कि वो ढूंढते हैं फेसबुक पे और एक दूसरे को कहीं ना कहीं से फेसबुक पे मिल जाते हैं। लेकिन फेसबुक की ये दोस्ती जो है, यानी दोस्ती की ये तजदीद फेसबुक पे जो होती है, ये एक्चुअली ह्यूमन नहीं होती, ये कुछ मैकेनिकल होती है कि दो जुमले, एक जुमला, मसरूफ नहीं है तो ठीक है। लेकिन कोई जैसे नशस्तें होती हैं, जैसे बैठते हैं, घर में आना जाना होता है, जो दाल चावल रोटी खाना होता है साथ में बैठ के, जो खेलना होता है साथ में, जो घूमना होता है साथ में, फेसबुक पे वो सब नहीं होता। सही। तो फेसबुक जो है वो एक्चुअली वर्चुअल दोस्ती तो हो सकती है लेकिन एक्चुअल दोस्ती नहीं होती। तो इसलिए अब लोग ढूंढ तो लेते हैं लेकिन ऐसी दोस्तियां जो आपको वाकई में डेप्थ में ले जाएं, गहराई में ले जाएं, तो वो अब आपको बहुत कम नजर आती है। हमें बड़ी खुशी है, हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें यूसुफ मियां जैसे दोस्त मैसर हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो हम जहां भी जाते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। अभी यानी फिजिकली भी, जैसे पाकिस्तान है पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड है न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलिया में, कहीं और भी हम सोचते हैं दुबई है दुबई में। तो ऐसा हम लोगों ने का वह है क्या रब्त है जो कहीं ना कहीं मतलब फिजिकली भी कायम रहता है, हम लोग मिलते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हमारी लिए और हमारे जनरेशन के लिए एक नमूना है जी। कि लोग सोचें कि दोस्ती ऐसे की जाती है। बिल्कुल। और एक दूसरे के लिए जो अच्छे जज्बात हैं, जो हम एक दूसरे को तरक्की देखकर, तरक्की करते हुए देखकर जितना खुश होते हैं वो अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आजकल तो बकौल मशहूर हमारे ड्रामे थ्री इडियट्स वाले में वो कहता है कि दोस्त को हाँ। क्या जुमला है वो? वो मेरे ख्याल ऐसा है कि दोस्त अगर हम फेल हो जाए तो हमें दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो खुशी होती है, लेकिन अगर दोस्त ज्यादा नंबरों से पास हो जाए तो शायद ज्यादा दुख होता है, कुछ इस टाइप से। इस टाइप का एक हाँ, हाँ, जी हाँ। ये बहुत आजकल के हालात में आमिर खान का ये फकरा बहुत जबरदस्त फकरा है। तो हम लोग
लखनऊ में, दिल्ली में, हम लोग दिल्ली में डिबेट बोलने गए, इतना जबरदस्त वो था, मजमा था, और इतना जबरदस्त वो ओकेजन था कि जब हम लोग, तो वहां पे अलीगढ़ के टीम भी थी, लड़कियां थी, वो एक एक बहुत मुख्तलिफ किस्म के माहौल से हम लोग गुजरे बहुत। तो यूसुफ मियां के घर में उनकी वालदा से, उनके भाइयों से, और सबसे हमारे मुनासिब उनकी बेटी और उनके बेगमात से, सबसे हमारे बहुत घर के, बिल्कुल घर के पास। और हम लोग शायद हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारे जो जिस दौर से हम गुजरते रहे, वो सब दौर एक दूसरे के देखे हुए, लेकिन हमेशा हम एक दूसरे को मोहब्बत से और एहतराम से देखते रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं सोचता हूं कि शायद नए लोगों को सोचना चाहिए कि दोस्त जब बनाए तो बस सोच ले कि वो जौक के एतबार से जी क्या साथ चलेंगे, तो बस ठीक है, अगर चल गए तो बस। ये एक बहुत अहम बात है, और मैं मतलब ये कि ये यूसुफ मियां की दोस्ती जो है, वो हम समझते हैं कि हम लोग तो काफी नौजवानी के हिस्से में है, इसलिए हमारे इम्कान ये है कि हम लोग काफी दिन तक साथ रहेंगे भी इंशाल्लाह, और चाहे जहां भी रहें लेकिन साथ रहें इंशाल्लाह। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा जी जी, जो जो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि रईस भाई की हमारी दोस्ती भी बड़ी अजीब हालात की है। नंबर वन, हमारा और इनका मिजाज बिल्कुल अलग अलग है। हाँ, जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते भी थे तब भी मतलब हमारा जो था सिगरेट पीने का शौक और ये और वो, लड़कियों को देखने का, ये सब हरकतें, और ये बेचारे मताले में लगे रहते थे और बहुत ही ज्यादा यू नो बहुत ही शराफत के जामे में रहते थे हमेशा। एक बड़ी अजीब बात यह है कि 60 साल की दोस्ती है हमारी जी माशाल्लाह, और इस 60 सालों में आज तक कभी कोई डिसएग्रीमेंट या कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कभी कोई बदकलामी कुछ हुई नहीं आज तक। हमेशा जब भी मिले एकदम चारों तरफ खुशियों का माहौल हो जाता है जी, बिल्कुल, ना किसी से कभी कोई शिकायत रही और ना कभी कोई भी मनमुटाव हुआ या कभी लड़ाई झगड़ा, जैसे आमतौर से लड़कों में होता है, नौजवानों में लड़ाइयां होती हैं, मगर रईस भाई से कोई लड़ाई नहीं है, और इनसे खैर लड़ाई कर सकना भी बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल है कि वो सिंसियरिटी जो मैंने देखी हमेशा से आप लोगों की दोस्ती में, वो आजकल मैं समझती हूँ कि लैक करती है आजकल की दोस्तियों में, सिंसियरिटी नहीं रहती, और वो वही वाली बात है कि थोड़ी सी हमेशा कुछ ना कुछ रश्क का और उसका फ्लेवर जो है ना वो आ ही जाता है लोगों के दरमियान। तो ये जो हमने सीखा और देखा आप लोगों की दोस्ती से कि ये बहुत इसमें जो सिंसियरिटी का पहलू है कि दिलो जान से आप एक दूसरे के यानी के अच्छा ही सोचेंगे, उसमें कहीं कोई ये नहीं है कि आप उनके बारे में और वो आपके बारे में कि ये आपके लिए क्या बेहतर है उस पे मशवरा देंगे, आपकी वजह से हमारे लिए क्या बेहतर है उस पे मशवरा नहीं देंगे। हम लोगों के लिए वो कहावत है ना कि एक जान दो कालिब जी, मतलब हमको लगता ही नहीं है कि हम लोग दो लोग हैं जी। हमको लगता है कि हम एक ही है। रईस भाई की सारी नज़में अपने नाम से हम पढ़ देते हैं हर जगह। मैंने वही ऑडियंसेस ये यूसुफ मियां से जरूर ये पूछे फरा जी जी, यूसुफ मियां से इनकी जिंदगी के जो कुछ दिलचस्प वाकयात हैं जी, जो कहीं हुए हो किसी भी मुल्क में, वो मैंने वो जरा बताए यूसुफ मियां, इनका इनके तजुर्बा से हमारे नाजरीन भी फायदा उठाएंगे ना। मतलब जी हाँ, मैंने दुनिया में कहीं भी आपके साथ जो कोई ऐसा वाकया हुआ, कोई डिफरेंट वाकया सुनाइए भाई साहब। कहीं कभी वाकया तो खैर बहुत हैं और याद भी हैं और कहना भी चाहते हैं, लेकिन एक वाकया जो लखनऊ में गुजरा आपके साथ हमारा, लखनऊ में 1960 में लखनऊ के तारीख में सबसे बड़ी बाढ़ आई थी पानी की, गोमती नदी में, और करीब करीब आधा लखनऊ उसमें डूब चुका था, और रईस भाई रहते थे डालीगंज में, विच वॉज दी जो जो उस सैलाब की जद में था बहुत बुरी तरह,
और हम तड़प रहे थे इस तरह, मतलब पूरा शहर दो हिस्सों में बट गया था, एक डालीगंज और एक नखास, और बीच में दरिया और बे इंतहा ठाठे मारता हुआ दरिया, ऐसा कि देख के खौफ लगे, डर लगे। और हम बड़े परेशान थे कि पता नहीं रईस भाई क्या हाल हुआ होगा वहां, पानी में घर में पानी घुस गया होगा, क्या हुआ। तो कोई रास्ता नहीं था कि इस पार से उस पार आदमी जा सके, सब रोड्स ब्लॉक हो गई थी, सब ब्रिजेस के ऊपर पानी बह रहा था, सब कुछ एवरीथिंग बस बिल्कुल इम्पॉसिबल था। बड़ी मुश्किल से कहीं से पता चला हमको कि एक रेलवे ट्रैक है जो पानी के ऊपर से दरिया के ऊपर से गुजरता हुआ जाता है डालीगंज। अब साहब वो रेलवे ट्रैक में तो आप जानते हैं कि वो लकड़ियों के ऊपर रेल की पटरियां होती हैं और बीच में जगह खाली होती है जी। और हम वहां गए तो कुछ जियाले बहुत ही हौसले वाले लोग उन पर पैर रख रख के और वो गुजर रहे थे जान। तो हमने कहा भाई जब लोग जा रहे हैं तो हम भी जा सकते हैं, मगर ये समझ लें आप कि 10,000 लोगों में एक आदमी ऐसा होता था जिसमें इतनी हिम्मत होती थी कि वो उस खतरनाक दरिया के ऊपर से गुजर जाए और वो रेलवे ट्रैक से। और साहब आपको यकीन नहीं आएगा, हम अल्लाह का नाम लेते हुए, रईस भाई का नाम लेते हुए उस पर चलते हुए डालीगंज पहुंच गए। और वहां हमने देखा था कि इनका मकान तो डूबी चुका था पानी में, मगर ये जो है वो शिया कॉलेज में सारे जितने रिफ्यूजीज हैं जो सैलाब के मारे हुए लोग हैं उनकी खिदमत में लगे हुए हैं। तो हमने जाके फौरन ज्वाइन कर लिया, मिट्टी का तेल पहुंचा रहे हैं, कहीं कुछ पहुंचा रहे हैं, कहीं कुछ खाना दे रहे हैं, वहां चल रहा था। और हमारी अम्मा को अगर पता चल जाता कि हम ऐसे में गए हैं यहाँ, या रईस भाई अक्सर जेल में चले जाते थे, हरकतें इनकी ऐसी थी। तो एक बार ये वहां जेल में पहुंच गए, स्टूडेंट मूवमेंट था और साइकिल के कैरियर पे खड़े होके मार्क पुलिस वालों को गालियां वालियां दे रहे थे। अब वहां जेल में अब हम इनसे मिलने गए जेल में, तो वहां देखा ये नटवर लाल नाम के एक शख्सियत थे, पता नहीं तुम लोगों को याद है कि नहीं याद, तुम तो शायद नहीं याद होगा क्योंकि तुम्हारे जमाने की बात नहीं है, हम लोगों के बचपन की बात है। नटवर लाल वॉज अ ग्रेट स्विंडलर, वो बहुत ज्यादा मतलब 420 वाला आदमी था, जो जिस पर बल्कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म भी बनी नटवर लाल। तो नटवर लाल तो रईस भाई उस जमाने में नटवर लाल की शागिर्दी में थे, नटवर लाल उनको बताते थे कैसे स्विंडल करना है कैसे करना है। निहायत ही उम्दा किरदार था नटवर लाल का, बेहतरीन, वो कोई जरूरतन नहीं चोरी चमारी करते थे, बस वो शौकिया कि देखें पुलिस पकड़ पाती है कि नहीं, यू नो ये था उनका। ही वुड कंपेयर हिज इंटेलिजेंस विद द सिस्टम। तो वहां पर हम पहुंचे और हम और हमारी अम्मा को अगर पता वहां भी चल जाता पता कि यूसुफ के दोस्त जेल में, हमारी मदर वाज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, वो पता नहीं जो चीज भी हाथ में आ जाती उसे फेंक के मार देती हूँ। तो इस तरह के बहुत से वाकयात हैं और भी जो हैं ऑस्ट्रेलिया में, कुछ तजुर्बात हैं, कुछ अमेरिका के तजुर्बात हैं वगैरह, लेकिन रईस भाई के साथ क्योंकि आज मुलाकात हो रही है इतने जमाने के बाद, तो रईस भाई से ताल्लुक रखने वाले दो वाकयात मैंने आपको बयान किए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। बहुत शुक्रिया मैं तो समझ रहा था कोई जर्मनी ब्राजील का किस्सा बताएंगे कोई जानवर से। वो किस्से जो है रईस भाई वो हमारे और आपके दरमियान बताए जाएंगे। वो ऐसा हाँ उनको उनको पब्लिक ठीक है। मैं समझता हूँ। चले बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही और बहुत खूबसूरत वाकयात और गुफ्तगू के बाद मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच। उम्र दराज फरहा, उम्र दराज हो, खुश रहो, तुम लोगों ने जो ये संगम शुरू किया है भाई बड़े कमाल की चीज है ये, और इसको कंटिन्यू करो और आगे बढ़ाओ और इंटरनेशनल करो जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ठीक है, जीती रहो, खुश रहो, बाय।